Hello students, welcome back to our YouTube channel. So there is a big important update regarding MHCET law 5 year students. 5 year students ka jo final merit list aane wala tha aaj subah 10 baje. Now it has been published on the CAP portal. Aap log dekh pa rahe ho yahan pe final merit list round 1 published. Theek hai, total 5 list upload ki gayi hai CET cell ki taraf se. फाइनल मेरिट लिस्ट के समरी की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे समरी देखने को मिल जाएगा कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया था इस पर्टिकुलर चीज के लिए, उसमें से महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स कितने हैं और ओएमएस स्टूडेंट्स कितने हैं, ये नंबर वाइज यहाँ पे आपको समरी दी गई है जिससे आपको आसानी हो समझने में. ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली लिस्ट ओपन करते हैं सब, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोगों को स्टेट मेरिट नंबर प्रोवाइड किया गया है हर एक स्टूडेंट को. तो पहले जो लिस्ट आया था दैट इज प्रोविजनल अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट, उसमें आप सभी के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में थे और जिनके कैप फॉर्म में कुछ गड़बड़ थी या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी उनको टाइम दिया गया था कि आप री अपलोड कर सकते हो. ठीक है, तो आप लोगों ने जब री अपलोड किया उसको वेरीफाई करके बाद में यहाँ पे वापस से प्रॉपर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है जिसमें अकॉर्डिंग टू योर सीईटी स्कोर आपको एक रैंक मिलता है. वो रैंक आपको यहाँ पे स्टेट मेरिट नंबर में देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका फाइनल रैंक है जो स्टूडेंट्स पहले दिन से मुझे पूछ रहे थे कि सर हमारा रैंक क्या है, रैंक क्या है. नाउ दिस इज द फाइनल रैंक विच यू कैन यू नो टेल एवरीवन कि मेरा महाराष्ट्र सीईटी के एग्जामिनेशन में ये रैंक आया है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको आपका नाम सर्च कर लेना है एंड अकॉर्डिंगली चेक कर लेना है. देखो इससे थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाती है. जैसे ये महाराष्ट्र स्टेट का जो लिस्ट है, ये महाराष्ट्र स्टेट का लिस्ट अगर आप ओपन करते हो तो इसके अंदर टॉप 100 के आसपास जितने रैंक्स है, ठीक है, उन लोगों को जीएलसी आईएलएस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो उसके बेसिस पे आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब 100 रैंक खत्म हो जाता है उसके बाद जितने भी स्कोर है. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये 106 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओवरऑल 100 रैंक के बाद 106 या 105 तक जीएलसी आईएलएस का कट ऑफ जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो जा सकता है महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, सो इट्स क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस. अभी बाद में दूसरी जो कॉलेजेस का कट ऑफ है वो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग जाएगा. तो वी कैन कम टू नो कि ओवरऑल क्या होगा. अभी दो दिन में हमारा एलोकेशन लिस्ट भी आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है. इस पर्टिकुलर लिस्ट से आपको यही पता चलता है कि आपका ओवरऑल रैंक क्या है. ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो तो आपका रैंक कितना बन रहा है ओवरऑल जितने महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स है उसमें से. एंड सेम थिंग अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर ओएमएस स्टूडेंट्स. ठीक है, ओएमएस स्टूडेंट्स का भी वैसे ही है, ओएमएस स्टूडेंट्स का भी लिस्ट है यहाँ पे दिया गया है. एंड उन लोगों ने अभी यहाँ पे एक रिमार्क का सेक्शन इसमें अलग से दिया हुआ है, द कैंडिडेट टाइप रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है, तो उन लोगों को भी कंसिडर कर दिया गया है कि जिनके टाइप कैंडिडेट से टाइप रिलेटेड में कुछ इशू था और वो एडमिशन के टाइम पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उनको वापस से अपलोड करना है. ठीक है, तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपका लिस्ट पब्लिश किया गया है. आपको चेक कर लेना है आपका नाम डिटेल्स एंड ऑल. एक और लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट जिसके अंदर आपका नाम कंसिडर नहीं हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे ठीक है आपका नाम इस पे लिखा आएगा. ठीक है, तो रीजन के साथ यहाँ पे उन लोगों ने पब्लिश किया हुआ है कि क्यों आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में उन लोगों ने काउंट नहीं किया है. ठीक है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर आपका नाम है दैट इज नॉट कंसिडर्ड लिस्ट के अंदर, तो आप लोगों को काउंट नहीं किया गया है. ठीक है, आप रीजन देख पा रहे हो, किसी के क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी था, किसी का एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट था, तो ये सब रीजन की वजह से अलाउड नहीं है. और काफी स्टूडेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स रजिस्ट्रेशन किया था, इसी वजह से उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के पार्ट पे गलतियां हुई है, इसीलिए दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड वन. ये राउंड वन से सभी स्टूडेंट्स बाहर हो चुके हैं जिनका नाम ये नॉट कंसिडर्ड लिस्ट में है. ठीक है, इफ योर नेम इज देयर इन फाइनल मेरिट लिस्ट एमएस एंड ओएमएस, नाउ जस्ट वेट फॉर 2 डेज. अभी आपका जो लिस्ट आएगा 15 तारीख को सुबह या फिर दोपहर के टाइम पे, तो वो टाइम तक आपको पता चल जाएगा विच कॉलेज हैज बीन अलॉटेड टू यू. जरूरी नहीं है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो सभी को कॉलेज अलॉट होंगे. अर्लियर एज आई इंस्ट्रक्टेड यू ऑल, आपने प्रेफरेंसेस आपके स्कोर के हिसाब से डाले हैं देन यू आर गेटिंग द कॉलेज. इफ यू हैव नॉट पुट अप द प्रेफरेंसेस एज पर योर स्कोर तो चांसेस है कि आपको कॉलेजेस अलॉट ना भी हो.
ठीक है, तो दिस इंडिकेशन को ऐसे मत ले लेना कि आपका नाम इस लिस्ट में आ गया फाइनल मेरिट लिस्ट में तो 100% आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस, ठीक है, यानी कि आपके आप स्कोर जो है उसके हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस डाले तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, बट अगर नहीं डाले हैं तो फिर चांसेस है दैट यू माइट एंड अप गेटिंग नो कॉलेज इन राउंड वन। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, दैट्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग एमएचसीईटी लॉ entrance examinations. Okay, so whenever the list allocation list will be published, a video regarding the same will be uploaded on our YouTube channel. So if you do not want to miss out any updates, any timely updates, then you can just subscribe to the YouTube channel for regular updates. Yeah? Okay, and those students who are new to our channel, we have also launched a consultation program for the students participating in the CAP process to guide them regarding the entire process and solve their queries, doubts regarding anything. So if you wish to enroll in that particular course, you need to download our application from Play Store and enroll in the consultation program. A separate WhatsApp group has been created so that you will get regular updates regarding the process, as well as you can directly ask your doubts over call or on WhatsApp. Okay, so thank you so much guys, and hope to see you all getting a good college as per your school. Thank you.